मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी गलत है या ये है वो है। उन्होंने अपना दीन दिखाया है कि ये मुसलमान ये है, इस्लाम ये है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है ये वो गलत है, ये नहीं। जब आप किसी को अगर आप किसी अंधे को भी अंधा करेंगे तो बुरा मनाएगा। लेकिन जो सही चीज़ है इस्लाम चूंकि हक है तो इस्लाम दिखाएं कि ये इस्लाम है जी। जैसे सईद अनवर की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे कलमा दिया, वो जरिया बने। सईद अनवर की पहले की ज़िंदगी मेरे सामने थी, क्योंकि मैं तो बहुत पुराना उनको जानता हूँ। ये क्रिकेट तो मैं बाद में उनके साथ खेला हूँ। मैं और उनका भाई दोनों कॉलेज में इकट्ठे खेलते थे, FC कॉलेज में। गेम बेस पे हमारा दाखिला हुआ था तो मैं कैप्टन था, वो मेरे अंडर खेलता था। तो मेरा उनके घर आना जाना उस वक्त से है। तो पहले उनकी ऐसी ज़िंदगी नहीं थी, मुसलमान ज़रूर थे लेकिन ऐसी ज़िंदगी नहीं थी। ये तो हमारे एक पुराने प्लेयर हैं ज़ुल्करनैन, वो भी पाकिस्तान टीम से खेलते रहे हैं। वो तबलीग में लगे हुए थे बहुत पहले 1987-88 में। तो वो इन पे आगे गश्त करते थे, इनको आगे दावत देते थे कि मस्जिद में चलते हैं, 3 दिन लगा लें। तो ये घर से भगा देते थे कई दफ़ा। तो मैंने मना किया कि सईद अनवर घर पे नहीं है, क्योंकि मैं तो उस टाइम क्रिश्चियन था, मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि मुसलमान क्या है, दाढ़ी क्या है, टोपी क्या है, शलवार क्या है, इस्लाम क्या है। मुझे तो इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था कि है क्या ये चीज़। तो ये आ जाते थे तो इस्लाम के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैं शुरू से रहा मुसलमानों में। अब चूँकि मुसलमान मैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अभी भी 5% लोग नमाज पढ़ते हैं और 2% उसमें से मस्जिद में पढ़ते हैं। क्योंकि अगर अभी जिस मस्जिद में हम गए हैं, हो सकता है इस मोहल्ले में काफ़ी लोग रहते हों, लेकिन मस्जिद खाली थी, मुश्किल से अंदर वाला हाल भी फुल नहीं था। तो ये सिर्फ इस मस्जिद की बात नहीं, ये आप जहाँ भी चलेंगे पाकिस्तान में, ये दुनिया में कहीं भी चलेंगे, हालात यही हैं कि मुसलमान नमाज से बहुत दूर है। तो ये तो अब बहुत बेहतरी आई है, लेकिन उसके बावजूद ये हालात हैं। मैं तो 1990-92 की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों में मैं उठता बैठता सब मुसलमान थे, मेरे मोहल्लेदार, कॉलेज में, स्कूल में सब मेरे दोस्त मुसलमान थे, लेकिन नमाज कोई भी नहीं पढ़ता, वो सारे मेरी तरह थे। तो उनमें से सईद भाई भी एक थे, उनकी भी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी जो अभी है। तो ये जैसे उनकी ज़िंदगी बदली है, अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए कलमा दिया। असल ज़रिया क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी। मुसलमान तो सब हैं, ये मुसलमान मुल्क है, इस्लाम के नाम पे लिया हुआ है, कलमे के नाम पे ये मुल्क लिया हुआ है, लेकिन नज़र कोई नहीं आता। डिश टीवी की नशरियात देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से कहकर मैसेज टीवी को अपनी केबल पर चलवाएं या सैटेलाइट डिश पर ट्यून इन करें। आपका अपना मैसेज टीवी।